हेलो दोस्तों, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। आज के सेशन में एक रेडार ग्राफ से रिलेटेड एक पांच क्वेश्चंस का सेट है वो डिस्कस करेंगे। लेवल एग्जैक्टली वही है जो एसबीआई क्लर्क मेन के लिए अपने एक्सपेक्ट कर सकते। रेडार ग्राफ आजकल काफी आने लग गए और रेडार ग्राफ की प्रैक्टिस आप लोगों को कंपेरेटिवली कम होती है। सो रेडार ग्राफ देखते ही डरने की जरूरत नहीं है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जैक्टली आपके एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन। देखिए डायरेक्शंस में क्या दिया, सिक्स रेस्टोरेंट्स आर रजिस्टर्ड विद ए फूड डिलीवरी ऐप। फूड डिलीवरी ऐप है जिसमें ये छह रेस्टोरेंट है, साथ साथ आप लिखते रहिए इनको, R1, R2, R3, R4, R5 और R6। रेड आर ग्राफ की जो इन्फॉर्मेशन है वो टेबल फॉर्म में जितना जल्दी हो बना लीजिए आप, ताकि बार बार ग्राफ देखने की जरूरत नहीं पड़े। और उसमें जो पेमेंट का तरीका है वो दिया है इन्होंने, भाई आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो और पेटीएम से कर सकते हो। और परसेंटेज, द ग्राफ बिलो गिव द परसेंटेज ऑफ पेमेंट रिसीव्ड बाय क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड ऑन ए डे। किसी भी एक दिन का ये दिया है और परसेंटेज दी है। परसेंटेज जैसे अगर 100 पेमेंट्स रिसीव्ड हुए हैं तो 100 में से कितना परसेंट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया, कितने परसेंट ने डेबिट कार्ड से, कितने ने पेटीएम से, ये आपको दिया। जैसे अगर आप आर वन का देखो और एक दे दिया कि ऑल वैल्यूज इन मल्टीपल ऑफ 5, मतलब अगर कोई 40 और 50 के बीच में कहीं नजर आ रहा है तो वो 45 ही है, आपको और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो जैसे R1 का आप देखें तो ये हो गया आपका 35 एंड 40। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड कितना है 35%, डेबिट कार्ड है 40%, तो ऑब्वियस है ये बच गया 25%। देन R2 का अगर आप देखेंगे तो ये आपका हो गया 30% और ये 35, तो ओवियस है बचा हुआ ये भी 35 हो गया। आर थ्री में अगर आप देखेंगे तो ये हो गया 25% और 30%। देन अगर आर फोर में देखें तो ये हो गया आपका 40% और 35%। आर फाइव में ये रह गया आपका 20% और 50%, 20%, 50%, 30%। ये आप सीक्वेंस वही रखें, पहले जैसे आपको एक बार आपने ब्लू पकड़ लिया तो पहले ब्लू और फिर रेड, पहले ब्लू और फिर रेड, इससे कंफ्यूज नहीं हो। सिक्स में अगर आप देखेंगे तो ये है 45% और ये है 20%, 45, 20 और ये रह गया 35%। पूरी डिटेल आ गई, अब अपने क्वेश्चन पे चलते। देखिए क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेमेंट्स बाय क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स इन आर सिक्स इज 70। डिफरेंस किसका, आर सिक्स का दिया है, और डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है 70, दोनों के बीच में 45% हुए हैं, क्रेडिट कार्ड से 20 हुए हैं, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 25%, और 25% की वैल्यू दे दी 70, राइट। और आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द नंबर ऑफ पेमेंट रिसीव्ड बाय पेमेंट पेटीएम आई, पेटीएम से कितने परसेंट है 35%, तो 35% की वैल्यू निकाल लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे 70 × 35/25% से परसेंट कट गया, 5 × 25, 5 × 7 = 35 और 14 × 7 = 98 आपका राइट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट है कि इफ द नंबर ऑफ पेमेंट्स रिसीव्ड बाय आर थ्री एंड आर फाइव थ्रू डेबिट कार्ड इज द सेम, आर थ्री एंड आर फाइव, आर थ्री का और आर फाइव का डेबिट कार्ड से जो पेमेंट्स मिले हैं उनकी संख्या बराबर है। इफ द नंबर ऑफ पेमेंट्स, मतलब यहां जो 100% है R3 में ये कुछ अलग है, R5 के लिए 100 अलग, राइट। अगर मैं इसका टोटल पेमेंट्स R3 के R3 मान लेता हूं और R5 के R5 मान लेता हूं, तो एक तरह से आपको दे दी कि 30% ऑफ R3, 100% मैंने R3 मान लिया इसको, इज इक्वल टू 50% ऑफ R5, ये आपको दे दिया गया। अब आपने आगे क्या दिया है, द नंबर ऑफ पेमेंट्स थ्रू पेटीएम बाई R5 आर व्हाट परसेंट दो जो R3, मतलब दोनों के पेटीएम का किसका, पेटीएम को अगर मैं P से लिखूं तो पेटीएम बाई R5 और पेटीएम बाई व्हाट परसेंट ऑफ किसके लगा, 3 वाले के लगा, इंटू 100, ये आपसे पूछा गया। तो आप देखें पेटीएम ऑफ R5, R5 का पेटीएम कितना है, R5 के 100 को आपने R5 ही मान लिया, तो पेटीएम आपका है 30%, राइट, R5 का, तो 30% ऑफ R5 ये ऊपर आ गया, और थर्ड का पेटीएम है 45%, 45%
ऑफ आर थ्री और इंटू 100, ये आपको निकालना है। अब इसमें आर थ्री और आर फाइव की यहां से एक की कोई वैल्यू आप दूसरे यहां से अगर मैं देखूं तो परसेंट से परसेंट कट गया, एक सिफर से एक सिफर कट गया, तो यहां अगर मैं आर फाइव की वैल्यू रखना चाहूं तो आर फाइव इजिकल टू क्या हो गया, आर फाइव इजिकल टू 3/5 आर थ्री। तो यहां 30% से 30 ये परसेंट से परसेंट कट गया, 5 से 15 से काटू 15 2 30 15 3 45, 2 R5 है और R5 की वैल्यू मैं रख दूं 2 × 3/3 × 5, ऊपर भी हो गया R3 नीचे भी हो गया R3 और इंटू 100, तो R3 से तो R3 कट गया और 3 से 3 कट गया और ये क्या आ गया 200/5 40%, यही राइट आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, इफ द एवरेज रेवेन्यू ऑफ R2 फ्रॉम ऑर्डर थ्रू क्रेडिट डेबिट एंड पेटीएम इज रुपीज 125, ये एवरेज है उनका ऑर्डर्स का, द एवरेज रेवेन्यू ऑफ R2 फ्रॉम ऑर्डर, मतलब R2 के लिए दिया है और इसने दिया है कि जो क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट मिला है उनका एवरेज है ₹125 और डेबिट कार्ड वालों का एवरेज है ₹120 और पेटीएम वालों का है ₹130, ये एवरेज है उनका, ठीक है। व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू ऑफ R2 इफ द रेवेन्यू थ्रू डेबिट कार्ड इज 10,080, डेबिट कार्ड से जो रेवेन्यू आया है वो आपको दे दिया। अब R2 पे चलिए, अब मैं ये मान लेता हूं कि 100 P पेमेंट्स उस दिन हुई, तो क्रेडिट कार्ड से कितने हुए 30%, 100 का 30% 30P और डेबिट कार्ड से कितने होंगे 35P और पेटीएम से भी 35P, राइट, इतने पेमेंट्स हुए। अब ये कह रहा है कि डेबिट कार्ड से जो हुआ वो 120 और इसकी वैल्यू आपको दे दी 10,080, तो यहां से अगर मैं पी की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या निकल जाएगी, ये आप 12 से काटोगे 12 × 8 = 96 और 12 × 4 = 48 और ये पी इज इक्वल टू आ गया 84/35, राइट। तो अगर आप उस दिन के टोटल पेमेंट्स देखें तो कितना हो गया, इसके थे 30P, तो 30P का मतलब 30 × 84/35, 5 × 3 5 × 7 = 35, 12 × 12 = 72, मतलब ये तो हो गए आपके 72 पेमेंट्स। और दूसरा कितना था, ये आपके 30% थे, ये आगे वाले तो बराबर बराबर ही होंगे, ये 35P है तो 35 × 84/35 तो ये 84 ही हो गए और ये भी 84 हो गए। अब आप इनका टोटल कर लीजिए, इसका तो 10,080 है ही आपका, ठीक है भाई, 10,080 तो आपका इसका है, प्लस ये 72 × 125 और प्लस 130 × 84, बस यही आपका टोटल हो जाएगा। तो आप देखोगे 72 को 72 का 100 से करूंगा 7200 और 25 से करूंगा तो 1800 और, तो ये तो 9000 आगे, तो 9000 ये आगे, 10,080 ये थे, 9000 ये आगे और ये आगे। अगर मैं देखूंगा तो 13 × 8 = 104, 10,400, 130 को 80 से करूंगा 520 और आगे और ये हो गए 10,080, तो 10,000, 9,000, 19,000, 10, 29,000, 29,000 तो एक आ गया आपका। अब आप देखिए 400 और 600, 1,000 और हो गए, 1,000 इसमें और जोड़ दो तो ये आ गया 30,000 आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें, इफ फॉर R4 द एवरेज ऑर्डर वैल्यू थ्रू क्रेडिट कार्ड वाज 70% ऑफ द एवरेज ऑर्डर वैल्यू थ्रू पेटीएम, व्हाट वाज व्हाट परसेंट ऑफ द रेवेन्यू थ्रू पेटीएम, क्या दिया है R4 का है और इसमें आपको क्या दिया, इफ द एवरेज ऑर्डर वैल्यू थ्रू क्रेडिट कार्ड, मतलब क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो एवरेज वैल्यू है वो 70% है पेटीएम की। अच्छा, मान लो पेटीएम की ऑर्डर वैल्यू x है तो क्रेडिट कार्ड की ऑर्डर वैल्यू 0.7x है, ये दिया है थ्रू पेटीएम, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू थ्रू पेटीएम, तो पेटीएम से कितना परसेंट भाई, इसमें डेबिट कार्ड से तो आपका कहीं कोई रिलेशन नहीं है, राइट तो बिल्कुल नहीं, कांट बी डिटरमाइंड, ये सफिशिएंट नहीं है आपके इसमें डाटा। नेक्स्ट आप देखेंगे तो क्या, इफ इन आर वन, आर वन का जिक्र है
If in R1, the average order value through credit, debit and Paytm are in ratio 8, 7, 10. Now average value क्या है? Credit card की, debit card की और Paytm की. ये किस ratio में है? मान लो इसको मैं 8K मानता हूँ, तो ये 7K है और ये 10K, right? What percent of revenue is generated through Paytm by debit card? What percentage? सिर्फ percentage निकलवाइए, आपसे value नहीं निकलवाई, percentage तो आप निकाल लो. What percent of revenue is generated through Paytm? Through payment by debit card. Debit card के through जो payment हुआ है, उस कितने percent उससे generate हुआ? ठीक है, ये इनकी average value है. मैं ये मान लूँ कि total जो है 100 P payments हुए उसके, तो credit card से कितने हुए 35 P और आपके debit card से हुए 40 P और Paytm से हुए 25 P. ये payments हुए और इनका जो 8K इसकी value होगी 7K और इसकी value होगी 10K. यही हुई. तो अगर total देखूँ तो कितनी होगी 35 8, तो 38 24 40 280 पीके और ये होगी 280 पीके और ये भी होगी आपकी प्लस 250 पीके. तो टोटल कितनी होगी 28 256 76 81 810 पीके. 810 पीके तो टोटल रेवेन्यू है और जो डेबिट कार्ड से है वो है 280. तो परसेंटेज कितनी होगी 280 बटा 810 पीके. पीके ऊपर नीचे से कट जाएगा और 100 से गुणा कर 100 परसेंटेज के लिए ये इससे कट गया. आपका आ गया 2800 बटा 81. अब इसके अंदर अगर आप देखें कि ऑप्शंस में अगर गुंजाइश है तो आप इसको 80 मान लीजिए और 80 मान के इसको निकाल दीजिए. अगर ऑप्शंस में गुंजाइश नहीं है तो आप इसको डिवाइड कीजिए. अगर 81 को मैं इसे करूंगा तो मुझे दिख रहा है कि तीन बार जाएगा 243 243 और बच गया 43 और 80. कितना बच गया 43 और 7 50 37 बचा 370. तो चार बार चला गया 324 बच गया 46 460. तो भाग चला गया पांच बार 405 55 550 आ गया 8 7 56 पांच करीब करीब 34.57% के आसपास आपका आंसर आ जाएगा. और अगर आपके ऑप्शंस में थोड़ी गुंजाइश होती तो आप क्या करते 2800 को 80 बना लेते, इसको एक सिफर काट लेते और 8 से जब करते तो 8 3 24 और 8 5 40 35. अब 81 को आपने 80 किया है तो आपको पता है कि 35% से थोड़ी सी जो कम है उसको आप ठीक कर. तो आपका एम क्या होना चाहिए कि रिजल्ट आपको सही ऑप्शन पे जाना है. किस तरह से गए कोई मायने नहीं रखता. तो मैं तो कहूंगा ये बड़ी लंबी चौड़ी जोड़ बाकी अगर नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं है और है तो भी आप रिस्क ले लो. नन ऑफ दीज बड़ा कम में होता है, ऐसा नहीं है कि उसके आसपास का आंसर होता तो वही ठीक होता है. बट इसमें आप 2800 से 81 डिवाइड करके अगर ये निकालोगे वो वेस्टफुल है, टाइम का वेस्टेज है. और इस तरह से निकाल के 35 से थोड़ा कम 34.5 के आसपास का आपको ऑप्शन दिख रहा है, आप उसको टिक कर दीजिए आगे बढ़िए. तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए प्लीज सब्सक्राइब. दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन. हैव अ नाइस डे.